रहे हैं, आप देख रहे हैं V2 और हमारे साथ इस वक्त बड़े एक्सपेंसिव सियासतदान मौजूद हैं। मतलब एक का फ्यूचर बड़ा ब्राइट देख रहा हूं मैं, माशाल्लाह से बड़ा बाहर के सूट शूट पहन के, मतलब प्रॉपर तरीके से, और जमील सुबह साहब भी मतलब प्रॉपर जूते उतर डिजाइनर भाई। पीपल्स पार्टी का मैंडेट दिया आवाम ने, और वो मैंडेट सीरियस नोट पे मैं आप लोगों को बताऊं क्यों दिया, क्योंकि आने वाले दौर में बिजली महंगी चाहिए थी आवाम को, चीनी की किल्लत चाहिए थी आवाम को, आटा नहीं चाहिए था आवाम को, और कपड़े बहुत कम चाहिए थे कि पूरे पहने हुए। हाँ नहीं, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। और आवाम की दुआएं इनके साथ हैं, आइंदा आने वाले कुछ नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो रहे हैं या 5 साल बाद होंगे, क्या होगा? एक बात सुने ना, बात ये है कि जो ये बिल छोड़ गए थे और जो ये इन्होंने बिल जमा नहीं करवाए थे वो सारा हमें जमा करना था। सर्कुलर डेट क्या बगैर किसी सर्कुलर के मारी है वो यही। अच्छा, वो डेट ये आपने इनसे पूछ के बताया ना मुझे? नहीं नहीं, मैंने बताया आप फिर सही है, फिर सही है। मैं ये बता रहा हूँ जो पगार की सरकार के बारे में है, मैं वही बता रहा हूँ। कौन सी छोटी डेट होती है? मेरी बात सुने। अब या तो इन्हें बताया आपने डेट मारी इन्हें? जी नहीं नहीं, उनकी डेट नहीं मारी, उन्होंने खुद कहा इन्हें नहीं पता मैंने डेट नहीं मारी, इन्हें डेट मारने के लिए सारी सर्कुलर डेट भी पता है। सर मैं ये बताएं, आप लोग एडवाइजर, माशाल्लाह आपने बताया कि 6 एडवाइजर हैं, तो आपके जो सीएम साहब के 6 एडवाइजर हैं उनमें से बीरबल कौन है? तलाश करना पड़ेगा, कोई तो होगा ना जो सीएम साहब को बीरबल जैसे मशवरे देता होगा, और एक मुल्ला दो प्यादा भी होगा उसमें, तलाश करना पड़ेगा। मुल्लानी की वगैरह हो सकती है कोई? मुल्लानी को प्यादी भी हो सकती है, मुल्ला सारे इधर होते हैं, मुल्लानी प्यादी भी हो सकती है, तो मैं ढूंढ के बता सकता हूँ आपको। हम थोड़ा मुल्ला, वो तो मेरा भी इशारा जा रहा है। वैसे सर इतनी पे एहतजाज होना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए? मेरे ख्याल में मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी इस किस्म की जो है चीजें हो जाती हैं उसमें एहतजाज जो है आवाम का हक है, जमहूरी हुकूमत है, एहतजाज जो है वो होता है। देखिए इतना लाइट चीनी को ले लिया उन्होंने, खालिद ये चीनी बात कर, फैसल लाइट ले लिया सर, फैसल वो है बात, बात फैसल बात ये जो हुक्मरान जमाते हैं सिंध की वास्ता है यार, इनकी चौधरी की शुगर मिल नहीं है, नहीं कोई शुगर मिल रही है हमारी, कोई शुगर चौधरी साहब की नो, कोई शुगर एक भी नहीं है। किसकी है जन? नहीं है आपकी है, इनकी गवर्नमेंट की आप रो रहे उस दौर को, आज की तो सोचे, आज आपने मतलब अपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी झूठे ही और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, वो बीआईएसपी के लिए अगर बीबी शहीद के प्रोग्राम के लिए अगर ये बैठे मेरे साथ, मैं बैठे तैयार हूँ, आपको ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल मेरे साथ, आप नहीं कौन क्या यार, गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का है ना यार, क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, गवर्नमेंट आपकी बात पूरी होगी ना, नहीं क्या क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ बीएसपी की मोहब्बत है, ठीक है, हिलरी क्लिंटन जो है उससे लेकर वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, बस ठीक है, हेल्दी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि बात ये है कि अगर तुमने जो है वो इस प्रोग्राम को जो है किसी और की तरह प्रोग्राम करना है तो फिर वो करो, या मतलब आपने हिटलर मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन की बात मैंने छोड़ी, आपने छोड़ी है ना, करप्शन का मतलब क्या होता है, करप्शन का मतलब है वो लग रहा है कोई दवाई आई है जिसका इंजेक्शन इनको लगा और एकदम यही बोला गए, बोला गए, सोच रहे करो, एक महीने करप्शन देखो, एक बात सुनो, मेरे सात दादाओं की कब्रें इस सिंध में, सेगमेंट बड़ा प्यारा है सर, एक मिनट, बड़ा प्यारा, मेरे सात दादाओं की कब्रें हैं यहाँ पे, ठीक है, कराची में मेरा घर नहीं है, इनसे पूछो कब कराची में तशरीफ लाए और इनके पास कितनी मिलकियत है, ये आपकी हर धर्मी कह रहा हूँ,
ये कब तशरीफ लाए और इनकी मिल्कियत देखो कहाँ से लाए। 1906 से लाए थे। कहाँ से लाए जनाब? हम आए हैं। हम मजाक कर रहे हैं। आपको मौजूद है और ये दंगल इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन एक सेगमेंट है, करप्शन का मीनिंग बता दो। करप्शन का है जी काफ से खाने, ठीक है, सुरे से रज के और पे से फिर और शीन से शायद और नून से ना मिले दोबारा मौका। यहाँ पे एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, सेगमेंट आप जानते हैं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू है, रुकवा दिया। पहला सेगमेंट लेकर आओ। पहला सेगमेंट जी जाना पड़ेगा। बकरा नहीं, दुम्बा है। दुम्बा चल बकरे की साइज का। महंगाई कब कम होगी? महंगाई कब खत्म होगी? अच्छा जी सर, ये मिलेगा किनको? सोमरो साहब। सोमरो साहब, सोमरो साहब, ये आपका है कुर्बानी का दुम्बा। कुर्बानी का दुम्बा, मेहरबानी। ठीक है जी, अब आपको इसको कहते हैं ना मेंढा, कहते हैं ना मेंढा, मेंढा मेंढा मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा धीमान भी तू। अच्छा सही, ये आ गया सर, ये आपके पास आ गया है दुम्बा। और इसकी आप कीमत का तयन करें कितनी है? साढ़े छह हजार का सुल्तान रही। इतनी गर्म गर्म लड़ाई के बाद अब ये चीज देना कितनी मुनासिब है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कितनी कीमत लेंगे इस दुम्बे को सेवा करने की? याद रखिएगा कि एक बड़ा सियासी दुम्बा है, हुकूमती दुम्बा है। मीठा 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 इसको हुकूमती दुम्बा है तो मैं तो टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत है और ये मेरे सामने के वो दुम्बा है। अभी मैं बाहर पुलिस को बुलाता हूँ और उसको अंदर। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। ये तो इसको, इसको इतना इतना कुटवा था, इतना कुटवा था इसको मैं। ये आ गया, ये है पीपुल्स पार्टी कल्चर। मगर क्या है कि जमहूरियत है, पार्टी कल्चर, हमने रिकंसिलिएशन की हुई है, मुफाहमत की पॉलिसी है, एक पार्टी कल्चर। ये कल्चर इतनी लड़कों की बात की ना, लौंडे वाली। देखिए 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 ये देखिए आप आ रहे हो, देखो ना, देखिए इसी हुकूमत कभी किसी कल्चर आ गया। आप भी इस मुल्क में रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस हुकूमत के सामने, ये बड़ा सीरियस हुकूमत के सामने, हुकूमती फर्द के सामने, आप लोगों की गलतफहमी है, के सामने गलतफहमी है। अपोजिशन वाले ने कहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं इनके टुकड़े टुकड़े करूं। आप गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट की कुर्बान की आप पे। देखिए जी बात ना, ये मीडिया की इनकी असलियत आ गई कि इनकी सोच क्या है, सोच क्या है। ये जमहूरियत वजह ना कि मेरा दिल करता है कि मैं हुकूमत के टुकड़े टुकड़े जाए यार, भूखे मर गए। ये बात जमहूरियत वजह है, जो हुकूमत और ये जमहूरी रवैया है कि हम बर्दाश्त करें। जो मेरी बात सुने, जो हुकूमत लोगों को दो वक्त की रोटी ना दे, जिस हुकूमत के दौर में 18 करोड़ में से वर्ल्ड फूड, ये हेलरी याद थी इनको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है कि 9 करोड़ रोड जो है वो बिल्कुल सुनो ना यार, डिग्री की बात कर रहे हैं, ये बड़ा 9 करोड़ लोग जो है वो यार सुन लो ना, 9 करोड़ आवाम की रोटी मिल रही है, ये आप बात नहीं करने देंगे। सर ये मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं आप, बोले मेरी आज के वक्त में 9 करोड़ वो भूखे, ये नहीं सुनना चाहेंगे, ये नहीं सुनना चाहेंगे। ऐसी कोई खास बात है जो आप सुन लो भाई, सुन लो नाज़रीन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट है कि 9 करोड़ ना वो जिंदा करेंगे ना ये जिंदा होगा, आधी आवाम भूखी सो रही है, गवर्नमेंट को फारिग कर देना चाहिए। जमील सुब्रो साहब ने लास्ट ईयर जो है वैलेंटाइन पे जो है, जब ये इसको जो है ना लव यू का आता है, देखें ये निशान है इसका, ठीक है ना, और कहीं कहीं ये मुस्लिम लीग काफ का भी नजर आता है मुझे। नाज़रीन हम चाहेंगे आपसे इजाजत, सर आप हमें के आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हमारा जाते जाते ईमेल एड्रेस नोट कर लें, जो कि है v2@arynews.tv। हमारे मेहमान आपको कैसे लगे हमें ईमेल करके जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।